अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एफडीज व्लॉग्स में। फिलहाल मैं हूँ चर्च गेट सबवे के पास गेट नंबर 4 पर और मैं यहाँ से जा रहा हूँ माहिम। माहिम में जो दरगाह है मखदूम अली शाह बाबा, उनका उर्स चालू है। 10 दिन का उर्स होता है ये। अब जिन दोस्तों को उर्स का मतलब नहीं मालूम है तो मैं बता दूँ, उनकी याद में मनाया जाने वाला दिन जो कि साल में एक मरतबा होता है और बहुत ही धूमधाम से इस चीज़ को मनाया जाता है। तो इस सबवे की मदद से मैं जाऊंगा चर्च गेट स्टेशन और निकालूंगा माहिम के लिए टिकट। तब तक के लिए आप इस मार्केट को एंजॉय कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इस तरह का सबवे का मार्केट और भी जगह लगता है, जैसे हाजी अली का सबवे है। जब हम लोग हाजी अली के लिए जाते हैं तो रोड क्रॉस करने के बाद जो सबवे आता है नीचे से जाने के बाद, उधर भी ये मार्केट लगता है। उसके बाद CST यानी कि VT स्टेशन पर भी ये मार्केट लगता है। उस जगह को यूटिलाइज करने के लिए ये लोग यहाँ पर मार्केट लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो ट्रेन से उतरते हैं वो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी रहती है और सस्ते दामों में मिल जाती है यहाँ पर चीज़ें आपको। तो माहिम पहुँचने के बाद मैं आपको दरगाह में लेके जाऊँगा, दरगाह के अंदर ज़ियारत कराऊँगा बाबा की, और उनके बगल में उनकी माँ वालदा साहब तशरीफ़ लिए हुए हैं। उनके बारे में, बाबा के बारे में आपको दिखाऊंगा और उनकी करामतों के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि उनकी क्या क्या करामतें हो चुकी है। वैसे तो बाबा की बहुत सारी करामतें हैं, तो उनमें से कुछ करामतें मैं आपको बताऊँगा। वैसे चर्चगेट स्टेशन को जोड़ने के लिए ऐसे कई सबवे हैं, जिसमें से ये जो चौथा सबवे है गेट नंबर 4, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो आ गए हम लोग ये टिकट काउंटर की तरफ और यहाँ से अब लेते हैं माहिम के लिए टिकट। तो मुझे इसने यहाँ पर 10 रुपये का टिकट दिया है मलाड तक के, हालांकि अपने को जाना है माहिम। तो लीजिए जनाब, हम लोग आ गए माहिम स्टेशन पर और यहाँ से जाते हैं हम लोग बाहर की ओर और फिर पकड़ते हैं टैक्सी। हालांकि माहिम की जो दरगाह है मखदूम शाह बाबा की, दरगाह तक जाने के लिए पैदल भी जाया जा सकता है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी चले जाऊँ यहाँ से ताकि मैं आपको और भी चीज़ें दिखा सकूँ वहाँ पर। तो पकड़ते हैं हम लोग यहाँ से टैक्सी और चलते हैं दरगाह की ओर। मखदूम शाह बाबा दरगाह नहीं मालूम है, टैक्सी वाले को दरगाह नहीं मालूम है, सुन के थोड़ा सा दुख हुआ। फिर भी कोई बात नहीं, चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं पैदल। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, सीधा जाने के बाद राइट मुड़ना है और फिर दरगाह आ जाएगी। मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी चले जाएँ अपन वहाँ पर ताकि अपने को गर्दी कम मिले। हालांकि भीड़ होना वहाँ पर लाजमी है क्योंकि उर्स चालू है और बाबा के उर्स के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे हाजिरीन वहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। तो पहुँच चुके हैं हम लोग दरगाह की तरफ। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है लोगों की। उर्स चालू है और ये उर्स जो रहता है ये कम से कम 10 दिन तक रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, यहाँ पर माहिम का मेला भी बहुत फेमस है जो कि सिर्फ और सिर्फ उर्स के टाइम पे ही लगता है, और वहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा और वहाँ पर भी चीज़ें दिखाऊँगा। और बाबा की जो एक और दरगाह है जहाँ पर बाबा अपना बैठा करते थे, वहाँ पर तालीम हासिल किया करते थे, उस जगह को भी मैं आपको जाकर दिखाना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगती है, जैसे खाने पीने की चीज़ों से लेकर यूज़ में जो चीज़ें होती हैं इस्तेमाल के लिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगती है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और हलवा पराठा भी है, फालूदा वगैरह भी है, सीख कबाब है, सीख पराठा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, खेल खिलौने बच्चों के लिए और कॉस्मेटिक्स वगैरह भी लगते हैं, हर चीज़ लगती है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और एक और यहाँ पर मैं बात बता दूँ आपको कि यहाँ का खिचड़ा बहुत फेमस है। जब भी अगर आप आए माहिम, नॉर्मल डेज पे भी अगर आप आए तो खिचड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है और लाजवाब रहता है। मैंने भी खाया है पहले भी और कोशिश करूँगा कि अब भी खाने जाऊँ वहाँ पर अगर मौका मिला तो। ये देख सकते हैं आप सामने आलू ट्विस्टर है और ये साइड में राइट साइड में सीख पराठा भी मौजूद है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दरगाह का जो मेन बड़ा सा जो दरवाज़ा है वो दिख रहा है यहाँ से। ब्लॉग बना है।
ब्लॉग बना रहे हो भाई? कर लो एफडीज ब्लॉग्स। अरे भाई यार, बाबा की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनका पूरा नाम हज़रत मखदूम फ़कीह अली शाह माहिम है और इनका पूरा परिवार अरब से यहाँ बम्बई के शहर माहिम में आ बसा था और इनकी पैदाइश सन 1372 ईस्वी 776 हिजरी में हुआ था। मखदूम शाह बाबा का असली नाम शेख अली था। हज़रत मखदूम अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को अलाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत की मज़ार के बगल में ही उनकी माँ साहिबा का भी मज़ार मौजूद है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। बाबा की दुआओं से यहाँ पर हर एक इंसान के घर पलते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हज़रत की मज़ार के पास एक दीवार पर हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल का फर्स्ट पेज भी यहाँ पर मंसूब है और हज़रत को कुतुब का लकब मिला है, इसलिए इनको कुतुब कोकन भी कहा जाता है। मखदूम अली शाह बाबा के वालिद का नाम शेख अहमद बिन इब्राहिम बिन इस्लाम है और उनकी मज़ार कल्याण में मौजूद है। मखदूम शाह बाबा की वालिदा का नाम फातिमा बिनते नाखुदा हुसैन है और जो मखदूम शाह बाबा के जो नाना थे वो कोकन से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस हिसाब से वो एक कोकनी भी थे। बाबा का उरूस हर साल उर्दू की 13 तारीख को और इंग्लिश किसी भी तारीख को होता है और 8वीं शब को उनका उरूस निकाला जाता है। हज़रत को 5 गुंबद वाले बाबा गनी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी मज़ार के ऊपर 5 गुंबद है, एक बड़ा गुंबद और बाकी 4 छोटे गुंबद। जब बाबा की दरगाह की तामीर की गई तो पहले बड़ा गुंबद बनाया गया था, फिर उसके कुछ दिनों बाद छोटे 4 गुंबद बनाए गए थे। हज़रत अपनी माँ के बहुत ज़्यादा ही करीब थे, उनकी बहुत ज़्यादा कीमत किया करते थे। एक बार का वाकया ये रहा कि उनकी वालदा इशा की नमाज़ के बाद उन्हें पानी लाने को कहती है तो हज़रत दौड़े चले जाते हैं एक गिलास पानी के लिए और उसी दौरान उनकी वालदा की नींद लग जाती है, तो उनकी नींद में खलल नहीं डालने के लिए वो रात भर पानी का गिलास ले ये खड़े रहते हैं। जब उनकी वालिदा नींद से जागती हैं तहज्जुद की नमाज के लिए तो वो देखती है कि मखदूम शाह बाबा पानी का गिलास हाथ में लिए खड़े रहते हैं, तो उन्हें बहुत ताज्जुब होता है और वो कहती है कि बेटा तुमने मुझे नींद से क्यों नहीं उठाया। तो मखदूम शाह बाबा कहते हैं कि मैं आपकी नींद में खलल पैदा नहीं करना चाहता था इसके लिए। तब उनकी माँ ने उनको दुआ दिया था और कहा था कि आप मखदूम बनोगे। मखदूम का मतलब होता है लोगों की खिदमत करने वाला।
तो बस फिर क्या था, वालिदा की दुआ ऐसी कबूल हुई कि आज ये दुनिया भर में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी दरगाह पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, चाहे वो कैसी भी मुराद लाए, चाहे वो कैसी भी मन्नतें लाता है, वो खाली हाथ नहीं जाता है, उनकी मन्नतें मुराद पूरी होनी ही होनी है। बाबा के दरबार में हर एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे वो कोई भी हो, बाबा के दरबार पर हाजिरी देने ज़रूर आता है। बाबा की करामतों की अगर मैं बात करूँ तो एक बार का वाकया है कि जब माहिम पुलिस स्टेशन में कोई कैदी था जो कि फरार हो चुका था, लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो कैदी उन लोगों को नहीं मिल रहा था, तो वहाँ के जो आला अधिकारी थे बाबा की मज़ार पर आके गुहार लगाया करते थे कि जस और के मतलब वो कैदी मिल जाए। तो बस क्या था, जिस दिन उन लोगों ने दुआ करके गए उसके कुछ दिनों बाद ही वो कैदी उनको मिल गया। उसके बाद उन्होंने जो मन्नतें की थी, मुराद जो मांगी थी कि हमेशा जब भी बाबा का उरुस रहेगा तो उरुस के पहले दिन की जो पहला दिन रहेगा उसकी चादर जो होगी वो माहिम पुलिस चौकी की तरफ से ही पेश होगी। तो तब से लेके आज तक के जब भी बाबा का उरुस होता है तो जो पहला दिन होता है वहाँ, तो उस पहले दिन में सलामी और जो पहली चादर चढ़ाई जाती है वो माहिम पुलिस चौकी की तरफ से ही चढ़ाई जाती है। आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह माहिम पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है पर्सनल, वो किस तरह बाबा और माँ साहिब को सलामी पेश करते हैं। मखदूम शाह माहिमी बाबा की मज़ार के करीब ही उनकी खादमा की भी मज़ार है और साथ ही साथ उनकी एक बकरी थी, उस बकरी की तदफीन भी वहीं करीब में कहीं की गई थी। और बाबा की मज़ार के पीछे साइड ही एक ऐसी जगह है जहां पर चिराग रोशन किया जाता है। अगर वो चिराग किसी भी नियत से जलाया जा रहा है, कोई भी उनकी मन्नत हो, कोई भी आस मुराद हो, तो वो आस मुराद उस चिराग को जलाने के बाद पूरी होनी ही होनी है। बाबा की करामतों में से एक करामत ये भी है कि जब बाबा छोटे थे तो उन्हें बचपन में बकरी का बहुत ज़्यादा शौक था। बकरी के बच्चों में से एक बच्चा मर गया तो जब उनको मालूम पड़ा कि उनकी बकरी का एक बच्चा ख़त्म हो गया है तो बाबा उस जगह पे गए जहां बकरी का बच्चा मरा हुआ था। तो उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की और बकरी के बच्चे से कहा कि उठ जा, तो वो फौरन उठ गया। अल्लाह के करम से बकरी का बच्चा ज़िंदा हो गया। तो ये है बाबा की बचपन की करामतों में से एक ज़िंदा करामत जो कि मैंने आपको बताई है। ऐसी बाबा की कई करामतें हैं। तो इससे ये बात मालूम होती है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह ताला उनकी कोई भी दुआ को रद्द नहीं करते हैं और वो अल्लाह से बहुत करीब होते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। वली का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त। तो जैसा कि आपने देखा होगा इस वीडियो में कि किस तरह माहिम पुलिस चौकी के जो अधिकारी है वो सुबह के वक्त और उसके पहले दिन सुबह के वक्त यहाँ पर आ जाते हैं, सलामी पेश करते हैं और चादर पेश करते हैं बाबा को। फिर उसके कुछ देर बाद यही पुलिस वाले बाबा का संदल भी निकालते हैं और फिर उसके बाद 8 बजे यहाँ पर फातिहा भी होती है। तो चलिए मैं यहाँ से आपको आगे की ओर लेके जाना चाहूँगा और बताऊँगा कि ये वो पुलिस चौकी कहाँ है, बाबा के वो मज़ार के कितने करीब है। तो कहा जाता है कि पहले वहाँ पर बाबा का घर हुआ करता था, उसके बाद ये पुलिस चौकी में दे दिया गया, पुलिस स्टेशन में तब्दील हो गई है वो जगह। तो मेरे साथ चलिए आगे की ओर, मैं बताता हूँ आपको पुलिस चौकी किधर है, कैसी दिखती है अभी। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं यही वो पुलिस स्टेशन है जो पहले बाबा का घर हुआ करता था, अब उसको पुलिस चौकी में बदल दिया गया है। ये पूरी जो चौकी है पूरे इस महल्ले को सजाती है और साथ ही साथ यहाँ पर लंगर भी तकसीम किया जाता है।